In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful, assalamu alaikum to all the students. I hope you all are fine. Today we are going to start our English class, and class is fourth, and we are going to start our third lesson about shopping mall. अब आ जाएँ इस पिक्चर को देख के ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो थर्ड लेसन है वो शॉपिंग के हवाले से है, कि शॉपिंग जब हम करने मॉल जाते हैं तो हमें कैसा फ़ील होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम किस तरीके से शॉपिंग करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर थ्री, शॉपिंग इन द मॉल. अब इस लेसन में तीन करेक्टर्स हैं जो कि आमिर, सना और उनकी मदर. ये तीन करेक्टर्स हैं जिन्होंने शॉपिंग की है मॉल में, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन है ये. वो काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर्स में गए, मॉल कैसा होता है, उसके कितने फ्लोर्स होते हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है. अब आज हम इस लेसन में इसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग, लिसन इट केयरफुली. आमिर एंड सना वांटेड टू ईट सैंडविचेस फॉर लंच लास्ट संडे. आमिर और सना जो है सैंडविचेस खाना चाहते थे लास्ट संडे. देयर मदर टोल्ड देम दे हैड टू बाय थिंग्स फॉर सैंडविचेस. उनकी मदर ने बताया कि उन्हें सैंडविचेस बनाने के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं. शी टोल्ड देम टू गेट रेडी बिकॉज शी वॉज गोइंग टू टेक देम अ शॉपिंग मॉल इन देयर नेबरहुड. फिर उनकी मदर ने बताया कि वो जो है रेडी हो जाएं, क्योंकि अभी उन्हें शॉपिंग मॉल जाना है. अपने करीब में ही, पड़ोस में ही शॉपिंग मॉल है, वहाँ से वो चीज़ें ख़रीदेंगे. देन शी मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बाय. और फिर जो है उनकी मदर ने लिस्ट बनाई उन चीज़ों की जो उन्होंने ख़रीदनी थी. आमिर एंड सना हैड नेवर गॉन टू अ शॉपिंग मॉल बिफोर. और आमिर एंड सना जो है कभी भी शॉपिंग मॉल नहीं गए थे. ठीक है, अब आते हैं. ये है शॉपिंग मॉल जिसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं, कॉर्नर्स दिए हुए होते हैं, हर तरह की आपको वैरायटी मिलेगी यहाँ पे. शॉपिंग मॉल में हर टाइप की शॉप्स होती हैं जिसमें हमारे पास कपड़ों की, ग्रॉसरी की, और खाने पीने के फूड कॉर्नर्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कॉर्नर्स होते हैं. हम कपड़े ख़रीद सकते हैं, ज्वेलरी ख़रीद सकते हैं. ठीक है, तो शॉपिंग जो है एक लार्ज बिल्डिंग होती है जहाँ पे हमें हर तरह की चीज़ अवेलेबल हो जाती है. ठीक है, अब आ जाएँ नेक्स्ट पैराग्राफ. मदर, व्हाट इज़ शॉपिंग मॉल लाइक? आस्क्ड आमिर. आमिर ने पूछा व्हाट इज़ शॉपिंग मॉल लाइक, यानी कि शॉपिंग मॉल होता कैसा है. शॉपिंग मॉल इज़ अ लार्ज बिल्डिंग डैट हैज़ मैनी शॉप्स इन साइड इट, रिप्लाइड मदर. मदर ने रिप्लाई किया कि शॉपिंग मॉल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं. आमिर एंड सना वेरी वर एक्साइटेड व्हेन दे रीच्ड देयर. और जो है आमिर और सना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब वो वहाँ पर पहुँचे. दे वर अमेज्ड टू सी द स्प्लेंडेड बिल्डिंग ऑफ द शॉपिंग मॉल. और वो जो है बहुत ज़्यादा हैरान थे इतनी स्प्लेंडेड मीन्स शानदार बिल्डिंग देख के. किसकी? शॉपिंग मॉल की. वो जो शॉपिंग मॉल था उसकी जो बिल्डिंग थी वो बहुत शानदार थी. इट हैड मैनी फ्लोर्स. और मॉल के जो है बहुत ज़्यादा फ्लोर्स थे. देखें मॉल में हर किसी मॉल में, कोई मॉल्स छोटे होते हैं तो वो उसके सिर्फ दो फ्लोर होते हैं, किसी के थ्री होते हैं, किसी के फोर होते हैं, और किसी के इससे भी ज़्यादा होते हैं. ठीक है, दे इंजॉयड यूजिंग द एस्केलेटर फॉर द फर्स्ट टाइम. अब आ जाए एस्केलेटर क्या होता है. एस्केलेटर मीन्स वो स्टेयर्स, सीढ़ियाँ जो ऑटोमेटिक रनिंग करें, यानी कि जो ऑटोमेटिक चल रही हो उस पर हमें खुद ना वॉक करनी पड़े, खुद ना चलना पड़े. तो वो हमारा एस्केलेटर मींस वो सीढ़ियाँ कहलाती हैं जो खुद से चलती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. और वो फर्स्ट टाइम उन्हें स्टेयर्स पर गए थे. देयर वर ब्राइट एंड अट्रैक्टिव एड्स डिस्प्लेड एवरीवेयर. और वहाँ पे जो है बहुत चमकदार और पुरकशिश एड्स जो थे वो डिस्प्ले हुए हुए थे हर जगह पे. देयर वर डिफरेंट शॉप्स ऑन ईच फ्लोर. और वहाँ पे हर फ्लोर पे डिफरेंट शॉप्स थी. The shops were very colorful, decorated and properly arranged. और क्या था कि वो जो shops थी वो बहुत ज़्यादा colorful थी और बहुत ज़बरदस्त decorate हुई हुई थी. ठीक है, ये देखें, ये है शॉपिंग मॉल. अब देखें इसमें चार फ्लोर दिए हुए हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग वैरायटी होगी, हर फ्लोर पे अलग अलग टाइप्स की शॉप्स होंगी. तो ये है हमारा शॉपिंग मॉल. अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे. फर्स्ट दे वेंट टू द फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉर्नर इन द ग्रॉसरी सेक्शन. सबसे पहले वो कहाँ गए? फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉर्नर पे गए. ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वर वेरी फ्रेश. सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ्रेश थे. पीपल वर बिज़ी बाइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. और लोग जो है वहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ख़रीदने में
मसरूफ़ थे। आमिर एंड सना हेल्प देयर मदर इन कलेक्टिंग थिंग्स फॉर सैंडविचेस, और आमिर और सना ने जो है अपनी मदर की हेल्प की। किस चीज़ में हेल्प की? सैंडविचेस के लिए जो उन्होंने चीज़ें ख़रीदनी थी उसको ख़रीदने में उनकी मदर की हेल्प की। दे पुट देयर थिंग्स इन द शॉपिंग कार्ट, और उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें शॉपिंग कार्ट में रखते गए। दैन अब आ जाइए, देखें फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉर्नर। अब ये क्या है? ये फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉर्नर है जो कि उस मॉल में मौजूद था। यहाँ पे हर टाइप की वेजिटेबल, हर टाइप के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट। देन दे वेंट टू द बुक स्टोर ऑन द सेकेंड फ्लोर, और अब सेकेंड फ्लोर पे जब वो गए तो वहाँ पे बुक स्टोर पे वो गए। इट हैड बुक्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स, और वहाँ पे हर एज ग्रुप की बुक्स अवेलेबल थी। देयर मदर बॉट अ न्यू रेसिपी बुक, और फिर उनकी जो मदर ने एक न्यू रेसिपी बुक ली। आमिर एंड सना बॉट सम स्टोरी बुक्स, और आमिर और सना ने कुछ कहानी की किताबें ख़रीदी। ठीक है, अब ये देखिए, ये है बुक कॉर्नर। यहाँ पे हर तरह की बुक्स जो हैं अवेलेबल होती हैं, ये मॉल में मौजूद होती हैं। मॉल में हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। नाउ द सेकेंड लास्ट पैरा, देयर वॉज आल्सो अ फ्लावर शॉप, वहाँ पे एक फ्लावर शॉप भी थी। इट हैड कलरफुल फ्रेश फ्लावर्स, और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कलरफुल और फ्रेश फ्लावर्स थे। आमिर एंड सना बॉट अ बंच ऑफ रोजेज, और वहाँ पे उन्होंने रोजेज़ का बंच लिया, यानी कि गुलाब के फूल लिए। नेक्स्ट टू द फ्लावर शॉप वाज अ लार्ज टॉय शॉप, और उसी के बराबर में, फ्लावर शॉप के बराबर में ही टॉय शॉप थी। मैनी चिल्ड्रन वर बिजी बाइंग देयर फेवरेट टॉय कार, बाइसिकल एंड डॉल्स देयर, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है अपने अपने पसंद के फेवरेट टॉयज जो है ख़रीदने में मसरूफ़ थे, जिसमें कार्स थी, बाइसिकल्स थी एंड डॉल्स। ठीक है, देयर वॉज आल्सो अ लार्ज प्ले एरिया, और वहाँ पे जो है प्ले एरिया भी बहुत बड़ा था। एंड अ गेम जोन फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए गेम जोन भी था। इट वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, और वहाँ पे जो है तमाम बच्चे जो है गेम्स खेल सकते थे, हर तरह के गेम्स खेल सकते थे। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे आ गई फ्लावर शॉप, जहाँ पे वो पहले गए थे, जहाँ से उन्होंने रोजेस ख़रीदे, और इसके साथ साथ उनका ये प्ले एरिया जहाँ पे तमाम बच्चे वहाँ के खेल रहे थे और अपनी शॉपिंग को इंजॉय कर रहे थे। और उसी के बराबर में थी टॉय शॉप, और ये है टॉय शॉप जहाँ से बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से अपने लिए फेवरेट टॉयज भी ख़रीदे। ठीक है, अब आ जाए लास्ट पैरा। आमिर एंड सना वेंट टू द जंपिंग कैसल एंड हैड ग्रेट फन, और आमिर और सना जो है जंपिंग कैसल में गए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फन किया, बहुत इंजॉय किया। देयर वॉज आल्सो अ फूड कॉर्नर ऑन द थर्ड फ्लोर, और वहाँ पे एक फूड कॉर्नर भी था थर्ड फ्लोर पे। इट हैड डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज, और वहाँ पे जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी थे, कैफेज भी थे। पीपल वर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्रेशमेंट देयर, और वहाँ पे जो है लोग जो है डिफरेंट टाइप्स यानी कि अलग अलग रिफ्रेशमेंट को इंजॉय कर रहे थे। आफ्टर शॉपिंग के बाद दे रिटर्न होम एंड मदर मेड डिलीशियस सैंडविचेस फॉर देम, और जब वो घर गए उनकी मदर ने उनके लिए बहुत डिलीशियस मीन्स मज़ेदार सैंडविचेस बनाए। दे सेड थैंक यू टू मदर एंड गेव हर द बंच ऑफ रोजेस, और उन्होंने अपनी मदर को थैंक यू कहा, और वो जो बंच ऑफ रोजेस उन्होंने परचेस किया था, जो ख़रीदा था मॉल से, वो उन्होंने अपनी मदर को दे दिया। बॉट फ्रॉम द शॉपिंग मॉल, जो उन्होंने अपने मॉल से बंच ऑफ रोजेस ख़रीदा था वो उन्होंने अपनी मॉम को गिफ्ट किया, क्योंकि उनकी मॉम की वजह से वो फर्स्ट टाइम शॉपिंग मॉल का उन्होंने विज़िट किया था। ये लेसन हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और आई होप आप लोग भी शॉपिंग करते होंगे, मॉल्स में जाते होंगे, और आपने मॉल्स भी देखे हुए होंगे कि वहाँ पे किस तरह की डिफरेंट शॉप्स होती हैं और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। अब ये देखें, ये दोनों आमिर एंड सना हैं जिन्होंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, और अब ये लोग घर जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ग्रामर की वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।